ओके, वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन एंड वेलकम टू इंग्लिश क्लास। सो चिल्ड्रन, आज हम रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 4 का। ओके, द अर्थ आवर होम। ओके, सो इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है अबाउट अर्थ। यू नो दैट जो हम एक गोल, एक जो होता है फ्लैट सरफेस पे जो हमारा मार्किंग होता है, अर्थ कौन सा सिटी कहाँ है, उस सिटी का डिस्टेंस क्या है, वो सब हमें मैप में मिलता है। इसी तरह से जो अर्थ का मॉडल होता है उसको हम ग्लोब बोलते हैं, जो कि राउंड इन शेप होता है और हम उसको आसानी से घुमा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लोब। इफ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो द पिक्चर इज गिवन, ग्लोब का पिक्चर आपको उस टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 12 पे, इजंट इट। और हम क्या करेंगे, फॉर्म्स ऑफ लैंड पढ़ेंगे इस लेसन में। Quickly, we will go with the forms of land. Land forms. Okay, अब land forms में क्या क्या होता है? See here, mountain. Okay, फिर क्या होता है? Mountain से थोड़ा सा छोटा hill. Okay, those are called as hill. उसके बाद और क्या होता है? प्लेन्स। नंबर 4 और क्या होता है? प्लेटू। ओके, और क्या होता है? ग्रासलैंड्स। ये सारी चीजें होती है लैंड फॉर्म्स में, जो ये लैंड होता है। यूजुअली हम प्लेन्स में क्या करते हैं, हम खेती कर सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, हम ये सब प्लेन्स में करते हैं। यस, ये सब चीजें हम प्लेन्स में कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। अगर आप कभी हिली एरियाज में गए हैं, आप वहां पर भी देखेंगे पहाड़ काट काट कर जो है हिल्स बनाते हैं, तो हिल्स पे हम रोड्स बनाते हैं और हम वहां पे खेती भी कर सकते हैं, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसलिए ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया क्या होता है? हिली होता है। ये जो हिल्स होते हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होते। जो प्लेन्स होता है वहीं पे लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे वो अच्छे से खेती कर सकते हैं, उन्हें खाने को मिलता है, देन दे अर्न भी होता है। फैक्ट्रीज और घर और जितने भी पक्का हाउस, कच्चा हाउस, ये सब मोस्टली हमें प्लेन्स में ही दिखाई देते हैं। ओके, तो आपको बस इतना जानना है कि ये लैंड फॉर्म्स है। इसी तरह से हम वाटर बॉडीज देखेंगे। वाटर बॉडीज जो है, ओके, उसमें क्या आता है? ओशन, सी, पॉन्ड, रिवर, लेक, ओके, ये सारे जो है स्ट्रीम, ये सारे जो है रिवर बॉडी, वाटर बॉडीज है। ये सारे क्या है? वाटर बॉडीज है। इसमें हम डेजर्ट लिखना भूलिए, डेजर्ट भी होता है जहाँ पे कैमल्स पाए जाते हैं। यू नो कैमल इज कॉल्ड अ शिप ऑफ अ डेजर्ट। जहाँ पे कैमल्स मिलते हैं वो डेजर्ट होता है। इफ आई गेट टाइम आई विल श्योरली शो यू सम ब्यूटीफुल वीडियोस ऑन लैंडफॉर्म्स। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, क्विकली इस चीज को एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। तो ये सारे जहाँ पे हमें पानी मिलता है, पानी देखने को मिलता है, वो सारे उसको वाटर बॉडीज हम बोलते हैं। दोज आर कॉल्ड एज वाटर बॉडीज। इफ यू सी द पिक्चर्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। ओके, अब हमें ये देखना है, ये सारी चीजें जो है नेचर में ही हमें मिलता है, इसको इंसान में ही बनाता है। ओके, अगर कुछ आर्टिफिशियल कुछ चीजें बनती है तो वो मैन मेड हो जाता है। लेकिन चीजें ये जो है ग्रासलैंड्स है और उसके बाद रिवर, लेक, पॉन्ड, ये जो है नेचुरली अवेलेबल होता है, इजंट इट। वो नेचुरली हमें नेचर ही देता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मैन मेड, दीज आर नेचुरल थिंग्स। और मैन मेड थिंग्स में क्या क्या आएगा? हाउस, ओके, इवन ट्री इज ऑल्सो नॉट अ मैन मेड थिंग। ट्री भी नेचर ही देता है हमें। जो चीजें इंसान बनाती है उन्हें हम जो है मैन मेड बोलेंगे। तो आप मुझे बताइए कुछ मैन मेड चीजें, मैन मेड थिंग्स, दैट मीन दीज आर नॉट नेचुरल। टेल मी
things which are man-made. I will give you the example, house. House are man-made things. House जो है आपको naturally नहीं मिलेगा. Naturally कैसा मिलता है? Den मिलता है. Okay, जो forest में दिखाई देता है, den, cave, वो सब होता है. लेकिन ये house जो है वो इंसान बनाता है, so it is a man-made. Like these are natural. Okay, yes, fan. आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही होगी, those are man-made. Fan, tube light. Okay, school building. Okay, school building. ये सारी जो चीजें हैं man-made है. आपको समझ में आया? Sun, moon, star, ये सब natural चीजें हैं. वो nature में nature gifted है, natural things. Okay, those are natural things. Man-made चीजों में जो भी आपके आसपास में जो चीजें देखेगी, जो factories में बनती है, मशीन में बनती है, those are man-made things. Yes, building, factory, और क्या चीजें हैं? Chair, table, camera, mobile, all these things are notebook, pencil, eraser, all these things are what? These are man-made things. Okay, so अगर आपके exams में आता है to identify the things, कौन सा man-made है, कौन सा natural है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा natural है और कौन सा man-made things है. Okay. Yes, fan, furniture, TV, very good, very good. Any other things? Yes, computer, very good. Very good. So many examples, good. Yes. Very nice. So, आपको समझ में आया, these are man-made or natural things हम, ये सारी natural चीजें हैं. These are not man-made, these are natural. और ये जो चीजें हैं, these are man-made. Okay. Now, what we will be doing? We will be going for textbook exercise. Quickly, we will be doing the textbook exercise. Here you can see, fill in the blanks, page number 15. Page number 15, yeah. So, those who don't have the textbook, I'm writing for it. The earth is dash in shape, round or square. What is the answer? Then water covers a lot of the earth. The rest is dash. The dash is a model of the earth. Number 4, a dash has land all around it. Number 5, those who have the textbook can give the answer. When air moves gently, we call it a dash covers whole earth like a blanket. Yes, Lord. Answers I'm getting. So earth is round in shape. Very good. Water covers a lot of the earth. Okay. The rest is land or plain. The rest is land.
क्योंकि पूरी जगह पे प्लेन नहीं है. हमने क्या देखा, हिल्स एंड माउंटेन्स भी है, तो पूरे अर्थ में जो है जहाँ पानी नहीं है ऐसा नहीं है कि पूरा प्लेन है. ओके, द रेस्ट इज दैट. ओके, वेरी गुड. देन अ डैश इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ दैट इज ग्लोब. हमने बताया था कि ग्लोब जो है मॉडल ऑफ अर्थ है. ओके, नाउ अ डैश हैज लैंड ऑल अराउंड इट. व्हाट इज इट? लेक की रिवर. लेक, क्योंकि रिवर जो है वो फ्लो करता है. ओके, तो उसके चारों तरफ में पानी लैंड नहीं होता है, लेक के होता है. देन व्हेन एयर मूव्स जेंटली वी कॉल इट अ ब्रीज. जब हल्की सी हवा चलती है एंड वी फील गुड, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीज. और जब बहुत जोर से तूफान आता है और घर का छत और वो सब दुकानें टूट जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉर्म. ओके, लेकिन जब हवा जब अच्छी चलती है एंड वी फील गुड, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीज. एंड डैश कवर्स द होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. ऑफ कोर्स इट इज एयर. ओके, अगर मान लो ये अर्थ है तो यहाँ पूरे अर्थ को एयर ने कवर कर रखा है. एटमोस्फेयर, ग्लोस्फेयर, ट्रेटोस्फेयर. जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे देन यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द स्फीयर्स. एटमोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ये सारी चीजें. सो अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ के अराउंड में क्या है, एयर है. जिस तरह से आपके अराउंड आप कंबल से अपने आप को कवर करते हैं, उसी तरह से एयर भी अर्थ को कंबल की तरह पूरी तरह से कवर करता है. ओके, सो आई विल रब. सो वी हैव कंप्लीटेड फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? वेरी गुड. Now we will be seeing about the match the following. Okay. So it is about B. When the land is flat, so where the land is flat, हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे जब flat land हमें मिलता है? हम उसे क्या बोलते हैं? Plain. Very good. This. Where the land rises high, ऊपर से दिखता है, जो जमीन है थोड़ा ऊपर दिखता है. Rises high, अब हम क्या बोलते हैं? Number three, very high hills. हिल्स, मैंने आपको बताया हिल्स वो होते हैं जहाँ जिसपे हम कट करके रोड बनता है और हम वहाँ पे कभी कभी खेती भी करते हैं और कभी कभी वहाँ पे घर भी बना सकते हैं विद डिफिकल्टी, लेकिन कर सकते हैं. लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. इट्स लाइक जीरो पॉसिबिलिटी. ओके, बहुत कम माउंटेन्स भी हमें दिखेगा. सो वेयर द लैंड राइजेस हाई, हम उसको क्या बोलते हैं? हिल. और वेरी हाई हिल्स हम उसको क्या बोलेंगे? माउंटेन. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. यस, माउंटेन्स आर मच मोर बिगर देन हिल. लैंड कवर्ड विद ट्रीज, ट्रीज के साथ लैंड कवर्ड रहते हैं. लैंड कवर्ड विद ट्रीज, सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको उसके बाद लैंड कवर्ड विद ग्रासेस, कवर्ड विद ग्रासेस. हमने अभी पढ़ा था. एंड नंबर सिक्स इज सैंडी लैंड विदाउट ट्रीज. सैंडी लैंड विदाउट ट्रीज. Yes, very good. Land covered with trees is forest. Grasses ke saath grassland. Okay, and without tree, sandy jo hai desert hota hai, jahan pe sand milta hai. It's a desert. जहाँ पे कैमल्स चलते हैं और बहुत मुश्किल से स्केयरसिटी ऑफ वाटर होता है, जहाँ बहुत मुश्किल से पानी हमें
देखने को मिलता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज डेजर्ट. वेरी गुड. सो इट्स लवली आंसर्स. वेरी गुड. नो इमोजीज. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, डू नॉट पुट एनी इमोजीज. डू नॉट पुट इमोजीज. दिस इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म और आपको बिल्कुल भी इमोजीज यूज नहीं करने हैं. ओके. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो. सो हु इज दिस चाइल्ड? फादर के नाम से है आई थिंक. मेल आई डी. सो यू मस्ट डिलीट इट. यस. सो नो इमोजीज. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो. आपको इमोजीज भेजना है, यू सेंड टू योर पेरेंट्स, नॉट टू मी. ओके. नो इन द ऑनलाइन क्लासेस. नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज विच आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेज ऑफ द लेसन. ओके. द अर्थ इज राउंड इन शेप. ओके. इट इज नॉट स्क्वेयर, इट इज राउंड इन शेप. वॉटर कवर्स अ लॉट ऑफ द अर्थ बट द रेस्ट इज लैंड. Then a globe is a model of the earth. We have discussed it. Then a lake has land all around it. When air moves gently, we call it a breeze. हम उसको storm नहीं बोलते हैं. Now air covers the whole earth like a blanket. Okay. And then we did the match the following. Have you completed, children? Those who have the textbook, they can complete it in the textbook itself. Yes. Now we will do the tick right and wrong. If you have finished, so some of the right and wrong sentences. Number one. Very high mountains are covered with snow. Is it right or wrong? Very high mountains are covered with snow. So is it right or wrong? Rivers flow from the sea, the mountain we need here to breathe sea water is salty. Lakes and hills are man-made things. Okay. So now, yes, when children sit with the mobile, जब बच्चे अपने मोबाइल के साथ बैठते हैं for online classes, it's a request to parents कि आप उनके साथ बैठें and they should not violate any rules. Online class के जो rules हैं वो उनको violate ना करें, क्योंकि I have already told you not to send any emojis, not to send any rubbish messages in the online teaching class, isn't it? तो जो parents हैं वो ज़रा ध्यान दें कि बच्चे जो हैं बिल्कुल भी जो rules हैं वो follow करें, okay? Yes. So here we will be doing. Very high mountains are covered with snow. Very high mountains are covered with snow. Is it correct? जो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े जो hills mountains होते हैं like Himalaya. अगर आपने देखा होगा उसका peak जो है snow से covered होता है. Okay. If I get time, I will surely show you in the video some of the videos कि जो इतने भी बड़े-बड़े Himalayas होते हैं peak होते हैं isn't it? वो जो है स्नो से कवर्ड होता है. सो इट इज वेरी राइट. उसके बाद रिवर फ्लो फ्रॉम द सी टू द माउंटेन. क्या पानी कभी नीचे से ऊपर जाता है? यस, जाता है, बट विद द प्रेशर के साथ ऊपर जाता है. अदरवाइज हमेशा फ्लो जो है पानी का ऊपर से
नीचे ही होता है. सो यहाँ रिवर्स फ्लो फ्रॉम द सी टू द माउंटेन. कभी सी मतलब लेवल वाटर बॉडी है, वो माउंटेन पे चढ़ेगा क्या? नो. सो ये जो है रॉन्ग है. ओके, देन वी नीड एयर टू ब्रीथ. ऑफ कोर्स वी नीड एयर टू ब्रीथ. विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव. हमें 24 आवर्स वी नीड एयर, वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ओके, सो वी नीड एयर टू ब्रीथ. नाउ सी वाटर इज सॉल्टी. यस, जो सी वाटर है वो बहुत ज्यादा सॉल्ट टेस्ट करता है. इसीलिए हम, हमारे पास जो अर्थ है, 3/4 ऑफ आवर कंट्री इज कवर्ड विद वाटर. उसके बाद भी वाटर स्केयरसिटी है, फिर भी हम बोलते हैं पानी बचाओ. क्यों? क्योंकि जो गुड वाटर है वो हमारे पास कम है. गुड वाटर जो है हमें ग्राउंड लेवल से अंडरग्राउंड में ही मिलता है. ओके, जो पानी जब बारिश होती है तो वो थ्रू द सॉइल को सोक करके नीचे चला जाता है, और वही ग्राउंड लेवल वाटर ही हमें मिलता है. अंडरग्राउंड में जो पानी जमा होता है वो गुड वाटर होता है. अदरवाइज सी वाटर जो है हम बिल्कुल उसको नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज नहीं कर सकते. ओके, सो वी नीड टू यूज गुड वाटर जो कि हमें अंडरग्राउंड में मिलता है. Isn't it? So wells में मिलेगा, अंडरग्राउंड में मिलता है, रिवर एंड लेक्स में मिलता है, जहाँ पे मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन. वो रेन वाटर आके कलेक्ट होता है. सो वॉट वी हैव टू राइट हियर इज सी वॉटर इज सॉल्टी. करेक्ट. सो लेक्स एंड हिल्स आर मैन मेड थिंग्स. लेक्स और हिल्स जो है क्या वो इंसानों ने बनाया है? नो, नो. वेरी गुड. सो जो लेक्स एंड हिल्स है वो इंसानों ने बनाया. सो इट इज रॉन्ग. सो चिल्ड्रन, इट वॉज लवली. आई हैव गॉट मेनी आंसर्स एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज राइट. नाउ वॉट यू हैव टू डू इज यू गो थ्रू द लेसन, रीड द लेसन, अंडरस्टैंड द लेसन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. वी विल मीट इन आर नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर.